हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद नायल, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऑटो एक्सपो 2023 में। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गया हूँ। टिकट्स जो थी मैंने कल बुक माई शो से मतलब बुक करवा ली थी। बाकी भैया बहुत सारे दोस्त ऑटोमोबाइल वाले, सबको कॉन्टेक्ट करके देख लिया, किसी के पास जुगाड़ नहीं थे पासिस के, तो अब पैसे दे के ही फाइनली जा रहा हूँ देखने के लिए क्या कुछ नया मिलता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था कैसी है और कितना टाइम लगता है एंट्री करने में। चलो जी, अभी जो करंट टाइम है 11:30 हो गए हैं, चलो निकलते हैं जल्दी से। दोस्तों, अगर आपको ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता या फिर आप मेट्रो से ट्रैवल करने में भी कंफर्टेबल हैं तो मेट्रो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नॉलेज पार्क पार्क 3 का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी जो एक्सपो सेंटर है बिल्कुल पास पड़ता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और पार्किंग का झंझट भी बिल्कुल तो दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात कि गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं, या जैसे आज मेरे साथ हुआ कि एक्सपो सेंटर के लिए जो पार्किंग है उनको ग्रेटर नोएडा में एंट्री करते ही ना जो पहले ही कट था वहाँ से एंट्री करवा रहे थे ताकि जो आप डायरेक्ट पार्किंग में पहुँच पाओ और नॉलेज पार्क 3 के पास ट्रैफिक ना हो। ये लो भी पार्किंग में घुस गए। क्या तो रखा है कि भैया फ्री पार्किंग है और बाकी गाड़ी लगाते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो, जीरो ही है, मतलब पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा। और ये बीच वाला सेंट्रल ग्राउंड है, जो बड़ा सा एक ग्राउंड है, उसमें पार्किंग लगाते हैं फिर बताते हैं आपको। हाँ जी, पहुंच गए पार्किंग में। और अभी अगर टाइम की बात करूँ, 12:08 हुए, मतलब आधा घंटा मेरे को आने में लगा। गाड़ी पार्किंग में 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन अगर मैं पार्किंग का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको आइडिया लग जाए कितनी बड़ी पार्किंग है, कितनी दुनिया जो है जा रही है और जाना कहाँ है, मैं वो भी दिखाता हूँ जरा। जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, इस साइड जाना, फिर वहाँ से पैदल होके उस साइड आगे निकलना है। अगर एक्सपो सेंटर की बात की जाए तो ये वहाँ पे एक्सपो सेंटर पड़ता है। तो ये भैया इतनी दूर तो जो है आपको पैदल चलना पड़ेगा, डिपेंड ऑन आपकी गाड़ी कहाँ पार्क हुई है। और पार्किंग का जो हाल है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो जा रही ना बढ़िया धूल उड़ाती हुई गाड़ी, तो पाउडर जो आपको यहीं लग जाएगा, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो देख सकते हो भैया, पार्किंग 1.5 किलोमीटर दूर लगा दी है, बट हालात पार्किंग की ये रही आपके सामने। चलते हैं आगे का नाल, आगे जाके बताएंगे। तो भैया, आप अगर टिकट बुक करवा रहे हो बुक माई शो से तो गलती से भी एंट्री गेट की तरफ मत चले जाना, क्योंकि वहाँ आपको भीड़ लगेगी। आप सोचोगे लाइन लगी हुई है, मैं एंट्री कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि टिकट तो मैंने बुक माई शो से बुक कर रखी है। तो भैया गलती होगी आपकी, क्योंकि आपको सबसे पहले जाना होगा इस लाइन को अवॉइड करके बुक माई शो के सेंटर पर या बुकिंग काउंटर जो है वहाँ जाना होगा। वहाँ पर जाके फिर से लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो आपकी टिकट है उसके बदले में आपको मिलेगा फिज़िकल टिकट, तभी आप एंट्री कर पाओगे। और ये है वो फिज़िकल टिकट जो यहाँ मैम साहब ने मेरे को दी है बुक माई शो का बार कोड दिखाने के बाद, QR कोड स्कैन होने के बाद। और अब भैया हम चल रहे हैं एंट्री के लिए। तो एंट्री के लिए भैया 20 से 25 मिनट तो आप बड़े आराम से मान के चलिए, डिपेंड करता है किस टाइम आ पा रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि आखिरी 2 दिन तो भैया 17 और 18 को जो टिकट है वो 300 रुपये होने वाली है, तो सीधी सी बात है जो आपको भीड़ कम मिलेगी। तो अब देख लेते हैं एंट्री पर कितनी भीड़ है। अब ये देखो एंट्री हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं पास लेके तो खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे भीड़ है और पीछे की साइड जो है यहाँ पे पीछे गार्ड साहब ने एंट्री के लिए भीड़ ना हो इसलिए लोगों को रोक दिया गया है। और भैया 20 मिनट तो लगभग मेरे को एंट्री करने में लग ही गए। एक से एक यहाँ से एंट्री कर रहे हैं लोग, और एंट्री करने के सामने आप देखें फूड कार्ट्स लगे हुए हैं, एक से एक महंगी वैन सारी की सारी यहाँ फूड छोले भटूरे बेच रही हैं, बाकी भी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। चलो जी, पहले हम अंदर घूमते हैं, फिर ये बाहर के जो नज़ारे हैं ना इनको एक्सप्लोर करेंगे। हाउस 5 में अगर आप एंट्री हो, उसके सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर भी हैं, मतलब ये वैसे वाले काउंटर, फिजिकल काउंटर लगे हुए हैं कि भैया कुछ खाना पीना हो तो। बाकी हॉल 5 में अभी हम एंट्री कर रहे हैं, चलो चलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हॉल्स की तरफ, और ज़्यादा ज़्यादा इसमें कुछ मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, और थोड़ा थोड़ा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए अगर आप इन हॉल्स में एंट्री करने वाले हो तो आपको कितना टाइम जो है लगने वाला है और कितनी क्राउड जो है दिखने वाली है। हुंडई ने काफ़ी जगह ले रखी थी, ये हुंडई का पवेलियन है और यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ काफ़ी है। बट अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा आइकॉनिक 5 और एक दो और इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो हैं दिख रहे हैं, और जो मेरे को समझ में आया वो ये था कि भैया हुंडई भी BYD की तरह इलेक्ट्रिक पे ही अपना पूरा जोर देने वाली है। ये जो एक एथेनॉल का अलग से पूरा पवेलियन बना हुआ था जिसमें फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बातें की, और सारे जो कंपनी थी वन टोयोटा मारुति सब ने अपनी एक गाड़ी जो शो कर रखी थी कि जो फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल पे काम करेगी। ये जो पवेलियन है यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी बाइक थी। अगर बात की जाए कॉमन जो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जैसे कि होंडा TVS, इनके आपको कोई भी जो काउंटर वगैरह नहीं दिखाई देंगे, ना इनकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई देगी। किया ने भी काफ़ी बड़ी जगह जो है यहाँ पे
बनाई। तो मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा होल जो बुक किया हुआ था वो किया नहीं किया हुआ था, और इनके पास कुछ कुछ नए प्रोडक्ट भी थे पब्लिक को शोकेस करने के लिए। और ये वाला जो पवेलियन है आप देख सकते हो मारुति सुजुकी का है, काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतने पब्लिक होते हुए भी इनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा थे और लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे जिम्नी को देखने के लिए। जिम्नी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो वेट कर रहे थे कि मारुति का कब इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो है कोई आने वाला है। ये टाटा का पवेलियन आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। 3:30 हो गए हैं और मैं बाहर आ गया हूँ। इस 5 नंबर गेट से बाहर निकला था। एंट्री की लाइन आप देख सकते हो यहाँ से लेके, और भाई साहब वो देखो पीछे तक जा रही है। और ये अंदर घूमते घूमते भूख लगी थी, अंदर कुछ नहीं खाया। और ये आज का भोजन, बाकी चलते हैं फिर पार्किंग की तरफ वापस। लो जी, पार्किंग में वापस पहुँचे हैं, गाड़ी फाइनली लोकेट हो गई। मैं गाड़ी की आपको हालात दिखाता हूँ। 12 से लेके अभी टोटल टाइम हुआ है मेरे को 4 बजे, मतलब 12 बजे के आसपास मैंने एंट्री की थी। मिट्टी देखो भैया, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में कहीं मिट्टी के रेतीले टिब्बों में घूम के आई हो गाड़ी। ये हाल हो गया गाड़ी का देखो। और ये मैं कोई एक नहीं कह रहा, ये देखो सभी गाड़ियों का यही हाल है। तो भैया अपना डस्टर भी साथ लेके आए अगर आपको ऐसी गाड़ी पसंद नहीं है चलाना तो। बाकी भैया इस पार्किंग में गाड़ी ढूंढना भी ना अपने आप में एक कला है। तो जब जाओ उस पर्ची पे ना नंबर तो कुछ लिखा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जब इस साइड से एंट्री करते हो ना पार्क में, तो R1 से लेके R20 तक रो बनी हुई है। तो बस वो ध्यान रखो कि कौन सी रो में आपकी गाड़ी है। बाकी रही बात एग्जिट गेट्स की, भी रख सकते हो या जिस गेट से आपने एंट्री करी उस हिसाब से आप अपना थोड़ा देख सकते हो कि कहाँ से एंट्री करी थी और मतलब गाड़ी किस साइड गई थी। या फिर भैया गूगल मैप पे अपना पिन करके रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है तो पिन भी किया जा सकता है लोकेशन को। और अब रही बात कि भैया पैदल कितना चल के आए, तो मैं वो दिखा दूँगा आपको। यहाँ गाड़ी खड़ी है और बहुत सारा काफ़ी पीछे मतलब जाके आए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो दोस्तों ऑटो एक्सपो का भैया एक टूर तो आपको मैंने दे ही दिया होगा कितना टाइम लगने वाला है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो समराइज़ कर देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भैया पार्किंग में एंट्री करने के लिए हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट लग जाए, तो वो टाइम अपना स्पेयर करके आए। सेकेंड चीज़, हो सके तो पानी का इंतजाम अपना करके आए, क्योंकि खाने पीने कुरकुरे चुरचुरे अपने लेके आओगे तो वेल एंड गुड है। बच्चे साथ आ रहे हैं तो देख लें, क्योंकि अंदर जो है थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी चीज़ें, MRP से भी ऊपर मिलेंगी। टाइमिंग का थोड़ा वही है कि 11 से 7 का टाइमिंग है, तो आप थोड़ा घर से जल्दी निकलें ताकि आप एटलीस्ट 12 बजे तक एंट्री कर पाएं। एक और चीज़ जो थी, आप अगर बुकिंग करते हैं ना, तो जैसे मैंने बुक माई शो से एंट्री बुकिंग की थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी फिजिकल पासेस चाहिए होते हैं। तो आपके मतलब जो टिकट काउंटर है वहीं पे जाके आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है, डिपेंड कि किस टाइम आप आ रहे हैं। जैसे अभी खाली था, लेकिन अब वही बात है कि 4 बजे आप एंट्री कर दो, एंट्री के लिए लाइन में लगते हो, 4:30 4:45 बजे तक एंट्री होगी और 7 बजे जो है काउंटर बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई मुझे सेंस नहीं लगता कि भैया 12 बजे से पहले पहले कोशिश करें कि आ जाएं। और वीकेंड है, शायद भीड़ ज़्यादा है, मे भी हो सकता है तब अगर आप बुक माई शो से बुकिंग करके आते हो तो चांस मे भी हो सकता है कि वीकडेज में थोड़ा बेटर मिले। बाकी गुड टू गो है, चीज़ें देखो है। मतलब मेरे को अगर सबसे मैं बात करूँ मेरे पर्सनली कि कौन सा पवेलियन मेरे को सबसे बढ़िया लगा, तो मैं सच बताऊँ तो मेरे को मारुति वाला थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज भी थी, ओपन थोड़ी खुली खुली बना रखी थी। और जो अच्छी चीज़ वो भी लगी मेरे को, क्योंकि मैं जिमनी के लिए आया था, मेरे को जिमनी देखनी थी थोड़ी सी, उसके लिए मैं एक्साइटेड था, तो मेरे को वो मैंने अच्छे से देख ली, एक्सप्लोर कर ली। और अदर थिंग की वोल्वो 9600 भैया मैंने देखी नहीं थी, मतलब वो मेरे को देखनी थी, वो मैंने देखी, मज़ा आ गया, एकदम सुपर लग्जरी बस है भैया। और बाकी चीज़ें हैं, आप MG को एक्सप्लोर कर सकते हो। MG ने बहुत सारे जो अपने अपकमिंग मॉडल्स है वो EV मॉडल हैं। तो दो चीज़ों मैंने देखा कि दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था, एक EV पे एंड सेकंड इज़ बायोफ्यूल पे, और तीसरा एथेनॉल और लाइक की हाइड्रोजन से हाइड्रोजन पावर्ड जो गाड़ियाँ हो सकता है मे भी आने वाला फ्यूचर जो उनका। लेकिन आपको डीजल और डीजल की तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको मोस्टली, या तो पेट्रोल मिलेगा तो बायोफ्यूल ही मिलेगा पेट्रोल के साथ, या स्मार्ट हाइब्रिड टाइप मिलेगी। टोयोटा का जो पवेलियन था वहाँ पे भैया बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लोगों का मतलब इंटरेस्ट दिख रहा था वहाँ पे, इवन टाटा पे भी। मतलब चलो भीड़ तो सब जगह ही थी, बट ये समराइज करना मुश्किल है कि कौन से काउंटर पवेलियन पे ज़्यादा थी, सब जगह ही थी। बाकी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अगर आप ऑटो एक्सपो में आए तो आपको सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके बताना। और मिलते रहेंगे आगे आगे वीडियोज़ में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।